नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा में ठन गई है। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटवारी को झूठा बताते हुए कहा कि इसके सबूत हैं तो सदन में रखिए। मिश्रा ने पटवारी को बजट सत्र से सस्पेंड करने की मांग की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने आईपैड लौटा दिए हैं। उन्होंने वजह बताते हुए कहा कि ये चाइना असेंबल है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि जिस चीन ने गलवान में हमारे सैनिकों की हत्या की, उसी चीन में असेंबल किए गए आईपैड विधायकों को देने का विरोध करता हूं। राष्ट्रवाद की बातें करने वाली भाजपा का यही दोहरा चरित्र है। इस खबर पर हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर अमीन बेग जी लाइव जुड़ चुके हैं। अमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आईपैड वापस किए हैं। देखिए, जिस तरीके से लैपटॉप बांटे गए और लैपटॉप बांटने से पहले ही जो है विपक्ष ने लैपटॉप को लेकर काफ़ी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि लैपटॉप का इस्तेमाल न किया जाए। कई विधायक जो हैं वो लैपटॉप जो वो चलाना नहीं जानते हैं। ख़ासतौर पर इस बात का जिक्र बार बार किया गया था कि जो ये आईपैड हैं ये जो हैं अभी जो है इसका इस्तेमाल न किया जाए, आगे जब ट्रेनिंग दी जाएगी तब इसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो है इसके बावजूद जो है बजट जो है उसी आईपैड के ज़रिए जो है पेश किया गया। विरोध हम तभी से देख रहे थे जब सरकार ने इनकी सुनी नहीं, कांग्रेस की और विपक्ष की। तो उसके बाद जो है आज गोविंद सिंह ने एक नई तरह की बात की। उन्होंने सदन में कहा कि ये जो आईपैड दिए गए हैं ये जो है इससे डाटा चोरी हो सकता है, ख़ासतौर पर ये चाइनीज़ हैं। यानी कि इसके ज़रिए उन्होंने ये कहा कि ये चाइनीज़ तो है ही, साथ में जो विधायकों का डेटा होता है वो भी इससे चोरी हो सकता है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इसको लौटा देंगे। विधानसभा में चूंकि ध्यानाकर्षण प्रश्नकाल के बाद जैसे ही ध्यानाकर्षण शुरू हुआ उसके बाद नेता प्रतिपक्ष अपनी चेयर से उठे और उन्होंने कहा कि वे इसको लौटाना चाहते हैं। सदन में खूब हंगामा हुआ। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये ठीक बात नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी के जो आईपैड हैं और इसी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमने देखा कि इसको लेकर विपक्ष ने काफ़ी कुछ सियासत आज दिन भर की और सुबह से ही जब सत्र शुरू हुआ था तभी गोविंद सिंह ने तेवर साफ कर दिए थे कि वो इसके ज़रिए जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। तो हमने तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से जो गोविंद सिंह ने जो है आईपैड वापस किया और अब उनका ये कहना है कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी अमीन, खबर ये भी मिल रही है कि नरोत्तम मिश्रा के कहने पर कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी को निलंबित किया गया है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा के कहने पे निलंबित नहीं किया गया है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। चूंकि नरोत्तम मिश्रा सांसदीय कार्य मंत्री हैं और लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि जो जीतू पटवारी है वो गलत जानकारी सदन में दे रहे हैं। आपको याद होगा जब इससे पहले जो सत्र हुआ था, मानसून सत्र हुआ था, उसमें भी जीतू पटवारी ने एक बात कही थी, एक आरोप लगाया था कि सरकारी पैसे पे, सरकारी खर्चे पे जो है बीजेपी कार्यालय में भोजन कराया गया और पैसा जो है उस भोजन में खर्चा किया गया, जिसके बाद बीजेपी मुखर हो गई थी और बीजेपी के हर एक विधायक, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री ने जो है सामने आकर ये कहा था कि जीतू पटवारी झूठ बोल रहे हैं। वो जो मामला है वो भी अभी विशेष अधिकार जो समिति होती है उसमें वो मामला चल रहा है। और आज भी जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है तब जीतू पटवारी ने कुछ ऐसी बात कही जिसको लेकर जो है भ्रामक स्थितियां बन गई और सत्ता पक्ष का ये कहना था कि जीतू पटवारी लगातार झूठ बोलते हैं। चूंकि सदन में अगर कोई विधायक बोलता है तो वो रिकॉर्ड होता है, यानी कि अगर आप 10 साल बाद भी इस कोई सदन के भीतर कही गई बात को अगर आप निकालना चाहेंगे तो वो आसानी से आपको मिल सकती है। तो तमाम बातें रिकॉर्ड होती हैं और जो एक परंपरा है वो ये परंपरा है कि सदन में आपको झूठ नहीं बोलना है, जो बात सत्य है वही बात बोली जानी चाहिए। तो एक प्रस्ताव जो था वो संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जो है अध्यक्ष गिरीश गौतम को दिया था। चूँकि सभी विधायकों ने, बीजेपी के मैक्सिमम विधायकों ने ये कहा था कि जीतू पटवारी लगातार झूठ बोल रहे हैं, जिसके बाद जो है संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रस्ताव जो है
गिरीश गौतम को दिया और कहा कि उनकी जो उनको निष्कासित किया जाए इस बजट सत्र से। और जब आज चौथे दिन का सत्र खत्म हो रहा था तभी जो है वो सूचना पड़ी गई, यानी कि सत्र खत्म होने के तकरीबन 1 मिनट पहले ये सूचना पड़ी गई। और दो लाइनों की सूचना में गिरीश गौतम ने कहा कि लगातार ये बात सामने आ रही है कि जीतू पटवारी झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उनको इस सत्र से निष्कासित किया जाता है। जैसे ही ये निष्कासन का ऐलान किया गया उसके बाद कांग्रेसियों ने हंगामा शुरू कर दिया, पूरे सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेसियों ने बाहर आकर भी हंगामा किया और फिर नरोत्तम मिश्रा की भी प्रतिक्रिया आई कि उन्होंने कहा कि संसदीय जो परंपराएं हैं उसका ज्ञान होना चाहिए कांग्रेसियों को और परंपराएं नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसको लेकर हमने लगातार देखा कि किस तरीके से पूरे आधे घंटे तक विरोध होता रहा और फाइनली अब जो जीतू पटवारी है वो निष्कासित हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या सत्र के दौरान उनका निष्कासन वापस लिया जाता है या फिर पूरे सत्र के दौरान वो निष्कासित रहेंगे। जी जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमीन। आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने अपने आईपैड लौटा दिए हैं। उन्होंने वजह बताते हुए कहा कि ये चाइना असेंबल हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि जिस चीन ने गलवान में हमारे सैनिकों की हत्या की उसी चीन में असेंबल किए गए आईपैड विधायकों को देने का मैं विरोध करता हूँ। राष्ट्रवाद की बातें करने वाली भाजपा का यही दोहरा चरित्र हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक में सदन गरमाया हुआ है। कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, वहीं बीजेपी ने एक काम रोककर स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग की है। इस दौरान भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल ने बस्तर में नक्सली घटनाएं बढ़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भी 18 लोगों की हत्या हुई है, शर्म करो। इस बात पर सत्ता पक्ष के सदस्य भड़क गए। इसके बाद बीजेपी सदस्यों ने स्थगन पर चर्चा की मांग की। ब्रजमोहन अग्रवाल ने मंत्री कवासी लखमा से कहा कि आप भी टारगेट में आ गए हो। इस पर मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में हमारे नेताओं को चुन चुन कर मारा गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रदेश में चार चार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए, प्रदेश में पुलिस वालों की हत्या नक्सलाइट करके वो शहीद हो जाए और ऐसे स्थान पर भी शहीद हुए जहां पर राजनांदगांव जिले में नक्सलवाद समाप्त हो गया था। पूरे देश में नक्सल गतिविधियों में सबसे उच्च स्तर पर कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है और आम जनता की भी हत्या नक्सलियों ने की है, अभी कल परसों ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में नक्सली गतिविधियों को हमेशा गंभीरता से लिया है। जब प्रेम प्रकाश पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष थे तब तो गोपनीय विधानसभा की मीटिंग बुलाई गई थी। ये पहली निर्लज्ज सरकार है। आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जैसे रायपुर से हमारी संवाददाता तेजस्वी साहू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। माफ कीजिए आकांक्षा तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए अरुण, छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र का संचालन इस वक्त हो रहा है और आज दूसरा दिन भी ऐसा लगा मानो ये पूरा सत्र जो है दूसरा दिन का ये हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि आप देखिए लगभग 2 से 2.5 घंटे के दरमियान लगभग 4 बार सदन की कार्रवाई को आसंदी की ओर से स्थगित करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि सदन में लगातार हंगामा होता रहा। दरअसल भाजपा की ओर से जो मुद्दा लाया गया था स्थगन प्रस्ताव का, इस मुद्दे ने ऐसा कहर बरपाया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से जो सदस्य थे इनकी एक तीखी नोकझोंक तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। बहरहाल शुरुआत से ही चर्चा कर लेते हैं क्योंकि देखिए सत्र की कार्रवाई जिस प्रकार से शुरू हुई और इस दौरान प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के ही विधायक सौरभ सिंह की ओर से एक प्रश्न लगाया गया था, वो था तेंदुपत्ता खरीदी के विषय को लेकर।
करके। हालांकि तेंदुपत्ता खरीदी के मसले पर लगातार आरोप प्रत्यारोप भी सदन के दरमियान चलता हुआ नजर आया। इस दौरान पे जिस प्रकार से मंत्री का जवाब मिला, क्योंकि भाजपा ने अव्यवस्था का आरोप लगाया था, ऐसे में इसमें जिस प्रकार से मंत्री का जवाब आया, इस जवाब से असंतुष्ट होकर के भाजपा ने सबसे पहले इस मसले पर वॉकआउट किया। आज भाजपा सुबह से ही सदन में कहीं ना कहीं आक्रोशित तेवर के स्वरूप में नजर आती हुई दिख रही थी। और इसके साथ ही जब शून्यकाल की शुरुआत हुई और शून्यकाल के दरमियान जाहिर सी बात है भाजपा की ओर से स्थगन लाया गया था बस्तर संभाग में, बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण के उठते मुद्दे। और इसके अलावा बीते एक माह में भाजपा लगभग चार भाजपा नेताओं की हत्या का मामला जो कि नक्सलियों द्वारा किया गया है, जाहिर सी बात है ये महत्वपूर्ण मुद्दा आज सदन में गरमाने भी लगा जब भाजपा के तमाम नेता इस मसले पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। ऐसे में भाजपा ने रोक टोक करने का आरोप लगाया और सदन में हंगामे का जो माहौल था वो शुरू हो गया। इसके पश्चात लगातार जब सदन में हंगामा हुआ तो जाहिर सी बात है आसंदी को सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। पहला जो स्थगित था उस दरमियान हमें देखने को मिला। इसके पश्चात पुनः जब कार्रवाई शुरू होती है तो जाहिर सी बात है भाजपा ने फिर से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करी। जैसे ही भाजपा की ओर से मांग उठने लगी जाहिर सी बात है जो सत्ता पक्ष के साथी थे उनकी ओर से फिर से प्रतिक्रिया आने लगी और सदन की कार्रवाई को फिर से स्थगित करना पड़ा। इसी प्रकार का जो ये सिलसिला था अरुण, ये लगातार चलता रहा और इस बीच हंगामा इस प्रकार से भी बढ़ा कि तमाम जो विपक्ष के साथी थे यानी कि भाजपा विधायक दल के साथी थे, ये सभी दल वेल में आकर के प्रदर्शन करने लगे। वेल में आकर के नारेबाजी उनके द्वारा की गई और स्वतः भी निलंबित भी होगा। इसके पश्चात सदन की कार्रवाई फिर स्थगित होती है और जब पुनः कार्रवाई की शुरुआत होती है और भाजपा नेताओं का निलंबन आसंदी की ओर से समाप्त किया जाता है, इसके पश्चात पुनः यही मसला आज सदन में फिर से गूंजता हुआ नजर आया जब भाजपा नेताओं ने पुनः यही मांग रखी कि स्थगन प्रस्ताव जो कि भाजपा की ओर से लाया गया है यह एक गंभीर मुद्दा है। भाजपा नेताओं की हत्या हो जाना, प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा बढ़ते रहना, यह गंभीर मुद्दा है और इस पे आसंदी स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर इसमें चर्चा कराए। हालांकि आसंदी की ओर से इस स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किया गया और उसके बाद जो है पुनः जो हंगामा था यह हंगामा और भी विकराल स्वरूप लेता हुआ नजर आया। और इस दौरान भाजपा के नेताओं ने सदन में गर्भगृह के भीतर न केवल नारेबाजी की, इसके अलावा लगातार वे प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। सत्ता पक्ष के खिलाफ लगातार उनके द्वारा नारेबाजी की जा रही थी और इस बीच जब अनुपूरक बजट पर चर्चा भी होनी थी, चर्चा की शुरुआत भी हो जाती है, सत्ता पक्ष की ओर से तमाम साथी अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन इस दौरान विपक्ष इसमें भागीदारी नहीं करता बल्कि विपक्ष वेल में बैठ करके ही रघुपति राघव राजा राम के गाने गाने लगता है। तो जाहिर सी बात है ये तमाम जो तस्वीरें थी आज हमें सदन में मुद्दों के दौरान देखने को मिली और सभी मुद्दों को लेकर के भाजपा आज काफी मुखर नजर देखने को हमें मिली। बहरहाल जब सदन से बाहर तमाम नेता निकले तो तमाम नेता एक दूसरे पर पुनः तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आए। सत्ता पक्ष का कहना था कि भाजपा ने आज तमाम जो परंपराएं हैं सदन की परंपरा ये तोड़ी है, जबकि भाजपा और भी तीखे स्वरूप में स्वयं मुद्दों से भागने का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाते हुए नजर आ रही थी। जी अरुण जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकांक्षा, आपको बता दें बीजेपी के नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने बस्तर में नक्सली घटनाएं बढ़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 18 लोगों की हत्या हुई है, शर्म करो। इस बात पर सत्ता पक्ष के सदस्य इसको लेकर भड़क गए। इसके बाद बीजेपी सदस्यों ने स्थगन पर चर्चा की मांग की है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने मंत्री कवासी लखमा से कहा कि आप भी टारगेट में आ गए हैं। इस पर मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में हमारे नेताओं को चुन चुन कर मारा गया है। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार की मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान किरोड़ीलाल मीणा पुलिस से भी भिड़ते नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि वसुंधरा राजे वीरंगनाओं से आकर मिले। सरकार नहीं बना रही, कांग्रेस तक सरकार नहीं बना रही,
सड़क बनाने देंगे वो भी नहीं पता है, ना कॉलेज का नामकरण किया ना सड़क का किया। इसी प्रकार से पूरी रेशो बीमार है, उसने भी कॉलेज का नामकरण करा रहा था, नौकरी देनी थी नौकरी मिल गया। जब इनको कहीं सुनवाई नहीं तो मेरे पास और इन तीनों ने कहा दो भी आ जाएंगे कि हमको मुख्यमंत्री जी से मिला, मुख्यमंत्री जी से वहाँ मिलने चाहते हैं तो बोलो मत बोलो मत। प्रतिमा बनाने का कहा था, सरकार ने आखिर में नहीं लगाई तो प्रतिमा नहीं लगा रही, बाउंड्री तक सरकार नहीं बना रही, सड़क बना। आपको सीधे राजस्थान लिए चलते हैं जहाँ से हमारे साथ स्टेट हेड पूजा जोशी लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके शहीद जवानों के परिवार की मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद धरना पर दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें पुलवामा में हुए हमले को लेकर शहीद जवानों के परिजनों की मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान किरोड़ीलाल मीणा पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। राजस्थान से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा प्रदर्शन कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि पुलवामा में हमले में जो शहीद हुए जवानों के परिजनों की मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद ये प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद का कहना है सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसके साथ ही सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के पेपर प्रदेश में लीक हो जाते हैं, सरकार को इस बात तक की जानकारी नहीं है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, प्रदेश सरकार को पता नहीं चलता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश में अपराधों पर भी अंकुश नहीं लग रहा है। राजस्थान से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर शहीद जवानों की मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठे हैं। इस दौरान पुलिस से भी उनकी नोकझोंक हुई है। किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश में परीक्षाओं के पेपर लीक हो जा रहे हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। राजस्थान सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। राजस्थान से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर शहीद परिजनों की मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था डगमगाती जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार की मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान किरोड़ीलाल मीणा पुलिस से भी लड़ते भिड़ते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान से स्टेट हेड पूजा जोशी लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्यसभा सांसद धरना पर दर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश में परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो फिर से धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। और आपको बता दूं कि ये जो धरना प्रदर्शन है वो पुलवामा में शहीद हुए शहीदों के परिवारजनों के साथ मिलकर विधानसभा गेट पर जो है किरोड़ीलाल मीणा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और आज तक से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। पिछले चार दिनों से किरोड़ीलाल मीणा का धरना प्रदर्शन जारी है और वो चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार को 4 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक पुलवामा में शहीद हुए शहीदों के परिजनों को कोई भी जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इतना ही नहीं, 4 साल के कार्यकाल में सरकार ने जो जो जनता से वीरांगनाओं से बातें कही थी, वायदे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। तो उन सबको लेकर के ये धरना प्रदर्शन है। और इतना ही नहीं, ये धरना प्रदर्शन एक तरीके से पेपर लीक मामले में जो पेपर लीक हुए थे उसके मामले में भी ये धरना प्रदर्शन रहा है। इससे पहले भी
आपको बता दूं कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हैं सरकार के खिलाफ। इससे पहले भी किरोड़ी लाल मीणा कई बार सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, क्योंकि जब जब न्याय की बात आई है या जब जब सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसी बात आई है, तब तक किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हैं। और आपको बता दूं कि इस दौरान जब वो धरने पर बैठे हुए थे, विधानसभा के गेट के बाहर पुलिस प्रशासन से काफी झड़प भी हुई। पुलिस प्रशासन ने बहुत कोशिश की वहां से किरोड़ी लाल मीणा को हटाने की, लेकिन उनका सिर्फ यही कहना था कि सीएम अशोक गहलोत आकर की वीरांगनाओं से मिले और उनसे जो वादे किए थे पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके उनके शहीदों के लिए कुछ करें। वीरांगना पिछले 4 दिनों से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में वहां धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। हालांकि कुछ समझाइश के बाद, पुलिस समझाइश के बाद वहां से उठ करके वो अमर ज्योति जवान पर धरने पर बैठे हुए हैं। वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि वीरांगनाओं की सुनी जाए। और इस दौरान कई दिग्गज नेता भी आए, उन्होंने भी वहां पर सुनवाई की, सुना, लेकिन अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जब जब कोई इस प्रकार का आंदोलन करते हैं तो देखा जाता है कि उनकी पार्टी में उनके साथ जो नेता है वो नहीं लगते हैं, वो खुद ही इस धरना प्रदर्शन को लगातार जारी रखते हैं। लेकिन फिर भी जब मंगलवार को ये धरना प्रदर्शन किया तो कई नेता वहां पहुंचे। राजेंद्र राठौड़ की अगर हम बात करें, बीजेपी नेता की, तो वो भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि ये काफी शर्मनाक बात है कि सरकार वीरांगनाओं के साथ ये सब कर रही है, जो हमारे देश के लिए जीते हैं, देश के हित के लिए कार्य करते हैं, जो शहीद होते हैं हमारे देश के लिए, उन सबके लिए ये सब कर रही है। हालांकि वीरांगनाओं का कहना है कि जो वादे किए थे, जो मांग की थी, वो पूरी की जाए, जिसमें सरकारी नौकरी की मांग है, पैसे। हालांकि सरकार ने वीरांगनाओं को पैसे दिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि उन पैसों पैसे मात्र देने से उनका घर परिवार नहीं चलता है। उनका कहना है कि हमारे देवर को हमारे पतियों की जगह नौकरी मिले, क्योंकि आप जानते हो होता है अक्सर क्या, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो वो काफी 17 साल बाद में उन्हें नौकरी मिलती है, लेकिन इन 17 सालों में उनकी पेट पूजा या उनका पालन पोषण कौन करेगा, उनकी भरपाई कैसे होगी। तो इन सब मांगों को लेकर के वीरांगनाओं के साथ में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खड़े हुए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं होगी तब तक मैं धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करूंगा, इसके लिए चाहे मुझे बड़ा आंदोलन करना पड़े, मेरी मेरी पार्टी इसमें साथ दे या ना दे। लेकिन हाँ, आपको यह भी बता दूं कि किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मांग की है कि वो भी इन वीरांगनाओं से आकर मिले और इन्हें सांत्वना दे, इनके हित के लिए कुछ करे, क्योंकि वीरांगनाओं से एक महिला आकर मिलेगी, वो भले ही हमारी मुख्यमंत्री रही है तो उनको काफी अच्छा भी लगेगा। और इन सबकी ये मांगे की गई। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा, आपको बता दें राजस्थान से खबर है जहाँ पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, पुलवामा हमले में शहीद हुए परिजनों के साथ किरोड़ी लाल मीणा धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना आत्मनिर्भर बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि 6 वर्षों में बजट का आकार 2 गुने से अधिक बढ़ा है, जो कि यूपी की अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करता है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष के 83 सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में भाग लिया है। सदन की कार्यवाही में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का सीएम ने आभार जताया। पीएम मोदी के आह्वान पर सबका साथ सबका विकास के लिए सत्ता परिवर्तन हुआ था। 5 वर्षों तक सफलतम तौर पर सरकार ने काम किया है। जनता जनार्दन का फिर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही बजट को लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सीएम ने बधाई दी है। बताते हुए प्रसन्नता है, पूरे सदन को इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए कि नीति आयोग के द्वारा जो पैरामीटर तय किए गए थे, देश के अंदर 112 जनपदों में जिन 10 जनपदों ने विकास की रफ्तार को सामान्य जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाया है, 10 में से 5 उत्तर प्रदेश के जनपद थे, 5। और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी सभी 8 के 8 जनपद है। उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, यहाँ से लखनऊ से हमारे सीनियर रिपोर्टर आकर्ष शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश में, 6 वर्षों में ये बजट का आकार 2 गुने से अधिक का आकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है, उनका कहना है कि आत्मनिर्भर बजट है। बिल्कुल, देखिए बजट पर ये जो चर्चा हुई है, 8वें दिन बजट को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा करी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव बाहर दौरे पर थे, उसको लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव
भाग लेने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में विकास की बात कर लेते हैं, विकास के लिए दो मुद्दे हैं, या तो विकास में भाग लो या विकास से भाग लो, इसको लेकर के भी अखिलेश यादव पर टिप्पणी करी है। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो माफिया है, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या को लेकर के लगातार सुर्खियां चल रही थी, उनको लेकर के जिस तरीके से पुलिस पर कार्रवाई के आदेश दिए थे, पुलिस जिस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रही है, चाहे सुमनगंज पुलिस हो या प्रयागराज विकास प्राधिकरण जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, इन सब को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भाषण देते हुए सब अपनी उपलब्धियां गिनाई। जी आकर्ष, सीएम ने कहा या तो विकास में भाग लो या विकास से भाग लो, किसको लेकर सीएम ने कहा है? ये विकास से भाग लो या विकास से मतलब विकास में भाग लो या विकास से भाग लो, ये अखिलेश यादव के लिए उन्होंने टिप्पणी करी है, क्योंकि अखिलेश यादव सदन में मौजूद नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश से बाहर थे। इसी को लेकर के अखिलेश यादव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर यह टिप्पणी करते हुए कहा है कि या तो उत्तर प्रदेश में आपका लक्ष्य यही है कि या तो हमारी तरह उत्तर प्रदेश के विकास में भाग लीजिए या फिर अखिलेश यादव की तरह उत्तर प्रदेश से ही भाग लीजिए। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकर्ष। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से एक खबर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आत्मनिर्भर बजट है, जनता जनार्दन के लिए बजट है, 6 साल में 2 गुना बढ़कर ये बजट पेश किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि या तो विकास में भाग लो या विकास से भाग लो, क्योंकि आज विधानसभा में अखिलेश यादव मौजूद नहीं थे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कई लोग विकास में भाग नहीं लेना चाहते, विकास से भागते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने पंचकुला में सरपंचों के संघर्ष में मोर्चा संभाला है। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के सरपंचों ने सड़क पर टेंट लगाया है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन द्वारा ई टेंडिंग को रद्द करने सहित अन्य मांगों को लेकर 2 दिनों से पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर जाम किया गया है। अब प्रदर्शनकारियों द्वारा पक्का टेंट लगाकर धरने पर बैठे रहने की तैयारी है। सरपंचों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तो किसान आंदोलन की तरह इस आंदोलन को भी अंत तक ले जाकर जाया जाएगा। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी सरपंचों के आंदोलन में समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। हरियाणा से खबर है जहां पर सरपंच आंदोलन कर रहे हैं। सरपंचों का कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगें नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरपंचों ने पक्का टेंट लगाकर धरने की तैयारी कर ली है। सरपंचों का कहना है कि सरकार जब तक मांग नहीं मानेगी तब तक ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हरियाणा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सरपंच संघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने भी पंचकुला में सरपंचों के संघर्ष में मोर्चा संभाल लिया है। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं सरपंच, जिसको लेकर प्रदेश के सरपंचों ने सड़क पर टेंट लगाया है। हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन द्वारा ई टेंडिंग को रद्द करने सहित अन्य मांगों को लेकर 2 दिनों से पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर जाम किया हुआ है। अब प्रदर्शनकारियों द्वारा पक्का टेंट लगाकर धरने पर बैठे रहने की तैयारी है। सरपंचों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तो किसान आंदोलन की तरह इस आंदोलन को भी अंत तक ले जाया जाएगा। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी सरपंचों के आंदोलन में समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। हरियाणा से खबर आपको बता रहे हैं जहां सरपंचों का आंदोलन लगातार जारी है। सरपंचों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अब सरपंच पक्का टेंट लगाकर आंदोलन के मूड में। सरपंचों का कहना है कि किसान आंदोलन की तरह भी ये आंदोलन होगा। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर को सरपंचों ने जाम किया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा पक्का टेंट लगाकर धरने पर बैठे रहने की पूरी तैयारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको सीधे हरियाणा ले चलते हैं जहाँ से हमारे स्टेट हेड राजकुमार सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में देखा जा रहा है कि सरपंच संघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उनका कहना है जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी अरुण, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ महीनों से लगातार जो है सरपंचों का जो है आंदोलन लगातार जारी है। जो ई ट्रेंडिंग का मुद्दा जो है लगातार गर्माता चला जा रहा है और अभी एक दिन पहले ही सारे पूरे हरियाणा के जो सरपंच थे सभी लोग हरियाणा के जो सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं
उनके स्थान पर पंचकुला और जो हरियाणा चंडीगढ़ का बॉर्डर है वहां पर उनके निवास स्थान पर पहुंचकर भारी मात्रा में जो सरपंच है वहां पर पहुंचे और सिर्फ हरियाणा सरकार से सिर्फ एक ही मांग करने लगे कि आप जो ई टेंडिंग है उसको आप रद्द कर दिया जाए, हम सरपंचों की यही एक मांग है। लेकिन दुर्भाग्यवश शायद हरियाणा सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी और तुरंत जो वहां का पुलिस प्रशासन था आपस में झड़प हो गई, सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। उसको लेकर जो हरियाणा के जितने भी दिग्विजय जो नेता हैं वो सामने आ गए, सामने उतर गए और आज की जो तारीख है आज के दिन सभी सरपंच जो इस जो कल के दिन में जो लाठीचार्ज हुई थी उसके मुद्दे को लेकर आज दोबारा से वहां पर उन्होंने सिर्फ एक ही हरियाणा सरकार को एक ही चेतावनी दी है कि हम यहां से बिल्कुल भी हटेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर चंडीगढ़ और पंचकुला के बॉर्डर पर लगा लिया अपना एक टेंट लगा लिया और पक्का कर दिया और हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, हरियाणा सरकार के आगे एक ही बात कहने लगे, जब तक हमारा ई ट्रेंडिंग रद्द नहीं होगा हम यहां से अपना टेंट जो है नहीं हटाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन यहां से हटेंगे नहीं। और अरुण सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा जी हैं उनका एक बयान आया है कि हम बीजेपी सरकार के खिलाफ कल यानी अगले दिन हम पूरे भारतवर्ष में बीजेपी के खिलाफ जन आंदोलन शुरू कर देंगे। वहीं पर सबसे बड़ी बात यही हुई कि फतेहाबाद में भी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का पुतला भी फूंका गया। उनको ये दिखाया गया हरियाणा सरकार को कि देखिए कि हम जितने भी हरियाणा के जितने भी सरपंच हैं हम उनके साथ हैं। और जो कांग्रेसी नेता हैं कुमारी सैलजा जी आज वो भी सरपंचों के बीच में चंडीगढ़ पहुंची और उनके साथ सहानुभूति भरते हुए कहा कि हम सभी सरपंचों के साथ हैं, जो भी हरियाणा सरकार ने जो सरपंचों के साथ ये जो इनके साथ जो अत्याचार किया है उसके खिलाफ हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। जी अरुण क्या लगता है राजकुमार जी कि सरकार की तरफ से जो प्रदर्शन चल रहा है सरपंचों का इसको लेकर सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है, क्या सरकार उनकी मांगें पूरी करेगी? सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है, हालांकि यदि आया होता तो शायद जो सरपंच कल जिस तरीके से सरपंचों के ऊपर लाठियां चली उनके साथ हाथापाई हुई उसमें एक महिला को भी बड़ी बेरहमी से मारा गया जो उसके हाथ पैर बिल्कुल टूट गए बड़ी बेरहमी से उसके साथ। कहने का मतलब कुल मिला के अरुण ये है कि एक लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र में जिस तरीके से महिलाओं के साथ और सरपंचों के साथ सिर्फ अपनी एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारा ई ट्रेंडिंग मुद्दा जो है उसको रद्द कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हालांकि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी सरपंच के बीच में पहुंचे और उन्होंने भी सिर्फ एक ही बात कही कि हम सभी सरपंचों के साथ हैं, जो हरियाणा सरकार जो है इस तरीके से सरपंचों के साथ जिस तरीके से अत्याचार कर रही है वो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके समर्थन में उन्होंने बोला किसानों के नेता जो गुरनाम सिंह चुड़ुनी है वो भी आज ही उनके साथ किसानों के सरपंचों के बीच में पहुंचे और सभी जितने भी किसान थे सभी सरपंचों का समर्थन करने के लिए उनके साथ उनके जन सैलाब में शामिल हो गए। जी अरुण जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार आपका बता दें हरियाणा से खबर है जहां पर सरपंचों का प्रदर्शन लगातार जारी है, सरपंच ही ट्रेंडिंग को लेकर विरोध कर रहे हैं। सरपंचों का कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांग नहीं पूरी करती है तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।